आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और मनोज गुप्ता चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए जिससे कि मेरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो है आप अपने फोन में जो है बॉर्डर लाइट को सेट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप भी यहाँ पे Realme 3 Pro डिवाइस को यूज करते हैं या फिर अदर कोई Realme का डिवाइस यूज करते हैं, और फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे Realme 3 Pro में Realme का UI अपडेट हमको देखने को मिल गया है, जिसमें आपको कई तरीके की नई सेटिंग से जो है देखने को मिल गई है और नया OS देखने को मिल गया है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सेटिंग बताने वाला हूँ जिसके थ्रू जो है आप यहाँ पे अपने इस फोन में जो है बॉर्डर में एक अमेजिंग तरीके से जो है लाइट लगा सकते हैं। तो काफी अच्छा फीचर है और ये हर फोन में जो है वर्क करेगा। और तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको मेरी वीडियो सारी वीडियो चाहिए तो मैंने एक एप्लीकेशन अपने इस चैनल की बनाई हुई है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस एप्लीकेशन में जाके विजिट करके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, सिंपली आपको इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे फ्रेंड्स तो आपको आपके पास जो है मेरी सारी वीडियोज़ प्रोवाइड हो जाएंगी। देखिए इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ओपन कर लेना है, ठीक है। तो सिंपली आपको इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा हमारे चैनल का लोगो, ठीक है। तो चलिए इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी वीडियोज आपको इस टाइप से मिल जाएंगी। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरी एप्लीकेशन को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ Realme 3 Pro के या फिर अदर कोई डिवाइस के यहाँ पे बॉर्डर लाइट के बारे में। तो यहाँ पे सभी में जो है UI अपडेट जो है रिलीज होने लग गया है और सभी में जो है अच्छी अच्छी सेटिंग जो है हमको प्रोवाइड हो गई है। तो मैं बताने वाला हूँ कि आप बॉर्डर में कैसे एक अमेजिंग लाइट लगा सकते हैं और इसकी जो नॉच है यहाँ पे भी आप यहाँ पे अच्छा एक लुक दे सकते हैं। इसकी नॉच में भी जो है आप यहाँ पे कर्व टाइप की लाइट दे सकते हैं। तो पूरा डिटेल इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाला हूँ। और फ्रेंड्स इसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, तो इसके लिए सिंपली आपको चले जाना है अपने प्ले स्टोर में। जैसे कि ये रहा हमारा प्ले स्टोर, तो सिंपली आपको जो प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है अपने डिवाइस में। जैसे ही आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे अपने डिवाइस में तो आपको सिंपली यहाँ पे सर्च कर देना है फ्रेंड्स बॉर्डर लाइट को। और जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे इस एप्लीकेशन को आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। देख सकते हैं काफी अच्छे एप्लीकेशन है। सिंपली इसको डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर देना आपको, ठीक है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको इतने टाइप की जो सेटिंग यहाँ प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ मिल जाता है ऊपर की साइड में सेट इजेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, फिर प्रीव्यू बॉर्डर वॉलपेपर इजेक्ट बॉर्डर सेटिंग और ट्रांसपेरेंट स्क्रीन का HD वॉलपेपर के इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अब आपको सेटिंग करना है अपने फोन में जो है बॉर्डर को, तो आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे सेट इजेट वॉलपेपर पे जो क्लिक करना है, यहाँ से आपको डायनेमिक वॉलपेपर जो चूज कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से लाइट जो है दे रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेजिंग एक लुक होने वाला है इस मोबाइल फोन का। तो चलिए फिलहाल आपको यहाँ से होम स्क्रीन पे सेट कर लेना है। इसको सेट करने से पहले अगर आपकी ये जो लाइट है बॉर्डर की, अगर आपकी यहाँ पे जो इसकी थिकनेस है अगर कम होगी तो आपको उसको कैसे हाई करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आना है इजेक्ट बॉर्डर सेटिंग में। आपको इसमें आने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे देखिए आप इसकी स्पीड को भी जो कंट्रोल कर सकते हैं, हाई करना है लो करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। थिकनेस जो है आपको कैसी करनी है, मोटी करनी है पतली करनी है, आप यहाँ से जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। कर्व जो यहाँ साइड में जो कर्व होगा ये वाला, इस कर्व को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में आप कलर को यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप नॉच सेटिंग को यहाँ पे इनेबल करते हैं तो आपकी जो नॉच होने वाली है इसमें भी जो है आपको बॉर्डर लाइट देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर आप इसको डिसेबल करते हैं तो आपको इस नॉच में जो है बॉर्डर लाइट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको इसके लिए करना क्या होगा, सिंपली मैं आपको बता देता हूं कि सिंपली आपको यहां पे जैसे सेटिंग ये आपने कर ली तो उसके बाद आपको सिंपली यहां आना है बॉर्डर लाइट में, यहां से आपको वॉलपेपर जो चूज कर लेना है, यहां से आपको सेट कर लेना है। जैसे आप सेट करेंगे तो आपका यहां वॉलपेपर जो है रिमूव हो जाएगा और यहां पे आप देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से जो बॉर्डर लाइट जो इसमें लग गई है। तो फ्रेंड्स काफी अच्छे तरीके से जो है आप भी किसी भी डिवाइस में यहां पे आप वॉलपेपर को लगा सकते हैं, तो काफी अच्छा एक लुक मिल जाता है, यहाँ पे इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो है आप अपने फोन में जो है बॉर्डर लाइट को सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फ्रेंड्स मैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपने चैनल पर जो है प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।